इस खास मौके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो अब तक ये सोच रही थी कि हम कौन सा ऐसा काम करें जो घर पे भी रहकर हो जाए और थोड़ा बहुत पैसा भी आए। तो आज हम ऐसे ही कामों की कुछ लिस्ट लेकर आए हैं जिसको आप घर में बैठ कर अपने परिवार को देख कर कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकती हैं। देखिए वो काम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आइए जानते हैं कि महिलाएं कैसे घर बैठे बैठे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और परिवार की जरूरतें पूरी करने में अपने पति या माता पिता का हाथ बटा सकती हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ा निवेश होता है दुकान में, लेकिन ये सारे काम आप घर से ही कर सकती हैं, यानी आपका फायदा और अधिक होगा। ये वो काम है जो घर बैठे बेहद कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं और इनमें फायदा भी पक्का है। शुरू करें घर बैठे टिफिन सर्विस। अधिक संख्या में लोग शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और अन्य कई कारणों से अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में उनको जिस समस्या से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है वो है घर के जैसे कम मसाले वाला या स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाने वाला खाना। टिफिन सर्विस का बिजनेस ऐसे ही लोगों को टारगेट करने वाला है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहती हैं तो आपके पास ऐसे बहुत से लोग होंगे, आपको बस उनकी पहचान करनी है, उनसे बात करनी है और उन्हें टिफिन सेवा देनी है। इसके लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकती हैं जिसमें एक दिन पहले ही अपना अगले दिन का मेन्यू बता दें और ऑर्डर ले लें, यानी आपकी जितनी डिमांड होगी आप उतना ही खाना बनाएं, जिससे जीरो लॉस होगा। पेमेंट के लिए पेटीएम, ऑनलाइन या कैश, जो चाहे तरीका अपना लें। इस तरह की टिफिन सर्विस के मॉडल में आपको सिर्फ फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। टिफिन सर्विस कैसे शुरू करें, इसकी अधिक जानकारी के लिए ओके क्रेडिट का ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध किया जा रहा है। शुरू करें घर बैठे कपड़ों की सिलाई का बिजनेस। यदि आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं और सोच रही हैं कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया हो जो हमेशा सिर्फ चल ही ना सके बल्कि आपको सफल बना सके, इसके लिए आप घर बैठे सिलाई कढ़ाई का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे टेलरिंग का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं है जो सिलाई बुनाई में बहुत अच्छी होती हैं। पहले के जमाने में सिलाई को मजबूरी में लिया जाता था, लेकिन अब सिलाई से लोग काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। आप अपनी ही सोसाइटी की महिलाओं को सिलाई की सर्विस दे सकती हैं। भविष्य में अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहती हैं तो भी आपके पास ग्राहक पहले से ही बने होंगे जो आपके सिवा किसी और के पास नहीं जाएंगे, यानी नया बिजनेस शुरू करते ही फायदा आना शुरू होगा। टेलरिंग सिलाई कढ़ाई का बिजनेस कैसे शुरू करें और कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ओके क्रेडिट का ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध किया जा रहा है। ब्यूटी पार्लर। महिलाएं ब्यूटी पार्लर सैलून खोलकर कर सकती हैं लाखों की कमाई। यदि आपका घर एक सोसाइटी में है या ऐसी जगह पर है जहां ब्यूटी पार्लर का बिजनेस चल सकता है तो आप इस बिजनेस को कर सकती हैं। आपको बता दें, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ठप नहीं पड़ता बल्कि ये दिन पर दिन मुनाफा ही कमाता है। ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कैसे करें, इस बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी और कानूनी जानकारी आप ओके क्रेडिट के इस वीडियो में देखें। इसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आपको इस बिजनेस के बारे में हर जानकारी मिल जाए। शुरू करें अचार पापड़ का बिजनेस। अचार पापड़ का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर घर में है। खाने का स्वाद बढ़ाना हो तो लोग अचार को ही याद करते हैं। नाश्ते में चटकारा लगाना हो तो पापड़ की डिमांड होती है। लोग खाना तो बना सकते हैं लेकिन अचार या पापड़ बनाना सबके बस की बात नहीं। इसके लिए अधिकतर लोग बाजार के अचार पापड़ पर ही निर्भर करते हैं। आप घर पर अचार पापड़ का काम शुरू कर सकते हैं और उसके लिए भी सोसाइटी के कंज्यूमर को टारगेट किया जा सकता है। अचार पापड़ को तो आप किसी भी वक्त बना सकती हैं, वैसे ये चीजें लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। तो अगर डिमांड में कुछ ज्यादा अचार पापड़ भी बन जाएं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप भविष्य में काम बढ़ाना चाहें तो बड़े लेवल पर अचार पापड़ बनाकर उसे दुकानों के जरिए या फिर ऑनलाइन बेच सकती हैं। खाना बनाने की ट्रेनिंग देकर करें कमाई। खाना बनाने की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ हम बात दाल चावल कैसे बनाते हैं इसकी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना जानते हैं तो आप खाना बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप तरह तरह की चीजें, मिठाइयाँ बनाती हैं तो आप लोगों को खाना बनाना या तरह तरह की रेसिपी बनाना भी सिखा सकती हैं। इसके लिए आप उनसे अपनी फीस ले सकती हैं। ये फीस अलग अलग रेसिपी के हिसाब से भी हो सकती है और प्रति महीने के हिसाब से भी हो सकती है। तो बस अपनी उन रेसिपी को छांटिए जिनमें आप बेस्ट हों और शुरू कर दीजिए अपना बिजनेस। घर से काम करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना लगता है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब आप घर में बैठे होते हैं तो घर के लोगों के लिए भी आप 24/7 काम कर रहे होते हैं और ऑफिस से भी लगातार आपको एक तरह से होता है कि काम पूरा करना है, तो वो चीजें मेंटेन करना थोड़ा सा
मुश्किल तो नामुमकिन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है, आपको बस कोशिश करनी है और बस ऐसे ही आगे निकलते रहना है। मैं भी तो यहाँ से घर से काम कर रही हूँ और आपके सामने आपको बता रही हूँ कि क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो वैसे मैं इसके लिए अपनी फ्रेंड का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, इन्होंने हमारी जैसी मेरी जैसी कई महिलाओं को मौका दिया है घर से काम करने का, ताकि हम लोग घर से काम भी कर सकें और साथ ही साथ अपना घर मैनेज भी कर सकें। तो ऐसे कुछ ऑफिस में अगर पॉसिबल हो तो जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।